हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जूलॉजी में एक स्पेसिमेन दिखा रही हूँ। ये देखो, ये है कोबरा। ठीक है, ये कोबरा है, स्नेक है, इसे नाजा भी कहा जाता है। यह सांप की एक जाति है। ये देखो, ऐसा दिखता है। यह क्या है? फाइलम। इसका जो संघ है, कॉर्डेटा ग्रुप में आता है ये। इसका क्लास है रेप्टिलिया। ऑर्डर है स्क्वामेटा और जीनस है नाजा और स्पीसीज है नाजा। इसका जीनस और स्पीसीज दोनों नाजा है। यह भारत, यूरोप, अफ्रीका, चीन और फिलीपींस, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया में अधिक पाया जाता है, जो सांप की यह जाति है। इसका जो स्वभाव होता है और इसका जो आवास देखते हैं, कहाँ रहता है हैबिट और इसके हैबिटेट, तो यह जमीन और दीवारों में बिल बनाकर रहता है। घने पेड़ पौधों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और भोजन के रूप में मेढक, चूहा, छिपकली को लेता है। इसे कोबरा और नाजा दोनों कहा जाता है। इसका जो सिर और गर्दन है, एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग नहीं होता है। ठीक है, इसका जो सिर है, हेड और नेक है, वह अलग स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। इसकी जो लंबाई होती है वह 2 to 3 meters की होती है। यह भूरे रंग का होता है। ठीक है, इसका कलर जो है ब्राउन कलर का होता है। इसका जो गर्दन है, नेक है, वह आगे की ओर बढ़कर हुड बनाती है। ठीक है, हुड बना देती है। आँखों के ऊपर पलक नहीं पाया जाता है। इनका जो प्यूपिल होता है वह गोल होता है। पूंछ के नीचे, उसकी जो पूंछ के जो नीचे की सतह है, उस पर टेल सील्ड पाई जाती है। ठीक है, सील्ड पाया जाता है, वह टेल सील्ड कहलाता है। सिर के डॉर्सल सरफेस पे दोनों ओर एक एक विष ग्रंथि पॉइजनस ग्लैंड होती है। ठीक है, सिर जो है उसके डॉर्सल सरफेस, पृष्ठ सतह जो होती है, उसके दोनों ओर एक एक विष ग्रंथि पाई जाती है, जो कि एक फाइब्रस कैप्सूल के अंदर बंद होता है। यह बहुत ही विषैला पॉइजनस स्नेक है। इसकी 3 species पाई जाती है। फर्स्ट है, अलग अलग इसकी किस्में होती हैं। फर्स्ट है डायोसिलेट कोबरा। डायोसिलेट जो कोबरा होते हैं, इसके डॉर्सल सरफेस पे पृष्ठ तल पर एक काला और एक सफ़ेद स्पेक्टिकल मार्क्स पाया जाता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे स्पेक्टिकल मार्क्स होता है। स्पेक्टिकल मार्क इनके ऊपर होता है। सेकंड देख रहे हैं मोनोसिलेट कोबरा। सेकंड जो है मोनोसिलेट कोबरा, इसकी दूसरी किस्म है। इसके डॉर्सल सरफेस पर एक काले रंग की रिंग पाई जाती है, ब्लैक रिंग होता है। नेक्स्ट है, थर्ड है काला कोबरा। एक ब्लैक कोबरा होता है जिसके डॉर्सल सरफेस पर कोई निशान या मार्क नहीं होता है। तो हम इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, कोबरा को कैसे पहचाना जाता है। तो इसके हुड और उस पर जो स्पेक्टिकल मार्क्स हैं, ये जो इसका हुड है और इसमें जो स्पेक्टिकल मार्क्स है, इसके द्वारा हम नाजा या कोबरा को पहचानते हैं। ये हमने देखा नाजा कोबरा कैसा दिखाई देता है। थैंक यू।